वेलकम टू यस कैंडिडेट सर। यस कैंडिडेट सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट टू। इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे और कुछ एडवांस के क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको पूरे तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात एंड समानुपात आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है ए अनुपाते बी बराबर 2:3। उसके बाद है बी अनुपाते सी बराबर 9:7। उसके बाद क्या है सी अनुपाते डी बराबर 14:15। ये क्वेश्चन है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। जब भी फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग सिंपली क्या करिए, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम दो तरीके से बताएंगे। पहला आप तरीका देखिए, पहला तरीका क्या है देखिए, यहाँ पर पहला तरीका ये है कि अगर आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली की पहले देखिए ए अनुपाते बी क्या है 2:3 है, उसके बाद बी अनुपाते सी क्या है 9:7 है, ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिख लेना चाहिए। उसके बाद सी अनुपाते डी क्या है 14:15 है, ठीक है। उसके बाद ऐसे नीचे पाई खींच लीजिए, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए तीन के सामने क्या है, यहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए और यहाँ पे भी 3। उसके बाद देखिए 7 के सामने एक स्थान खाली है तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ 9 के सामने 9 हो जाएगा, 14 के सामने 14 और 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। आप देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले हम काटते हैं, अगर कटता है तो 7 से काटिएगा तो ये भी 7 × 14 कट जाएगा। उसके बाद देखिए 7 × 14 ये भी कट जाएगा और 7 × 14। उसके बाद देखिए कोई कट रहा है फ्रेंड्स, देखिए हाँ 3 से ये 3 कट जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे 3×9 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 3×9। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 2×3 = 6, 6×2 क्या हो जाएगा 12। उसके बाद देखिए क्या है 3×9×18 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7×14, उसके बाद हमारा लास्ट में 15 बच रहा है, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी ये हमारा आ गया। और इसको ये हमारा पहला तरीका है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये दिया हो, जैसे 2:3 दिया हो, उसके बाद देखिए पहले लिख लेते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ठीक है। उसके बाद बी अनुपाते सी क्या है 9:7 है, उसके बाद सी अनुपाते डी 14:15 है, ये है ना फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2×9×14। उसके बाद देखिए इसका इसमें कराइए, उसके बाद इसमें, तो उसके बाद अनुपात करके 3×9×14। उसके बाद देखिए 3 का कराइए, 7 का कराइए, उसके बाद फिर 14 का कराइए, तो अनुपात करके तो 3×7×14। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक बच रहा है ना, तो अब देखिए 3 का 7 का और 15 का यहाँ पे लिख लीजिए 3, यहाँ पे 3, उसके बाद 7, उसके बाद 15, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो कटने लायक है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये क्या है 3 है। अब देखिए जो कटने लायक है पहले उसको काट दीजिए, यहाँ से देखिए 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 कट जाएगा, उसके बाद 7×14 यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद 7×14 यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब 3 से देखिए यहाँ पे 3 है, 3 कट जाएगा, यहाँ से इससे कट जाएगा, उसके बाद यहाँ से 3 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3×9 होता है। इसको सिंपली अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 12 हो जाएगा, उसके बाद 9×2 = 18 होता है, उसके बाद हमारा 14 बच रहा है ये हो जाएगा, उसके बाद आखिरी में क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी आ गया 12:18:14:15। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, दो तरीका हमने बताया है, जो आपको अच्छा लगे
जो आपको जल्दी से सॉल्व हो उस तरीके को अपना लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर 2 ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या दिया है, 4:7:11, उसके बाद बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या दिया है फ्रेंड्स, 21:33:44 यही दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हमसे पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा, यही हमसे यही बताइए। तो जब भी ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहा है तो सिंपली क्या करिए, यहाँ से देखिए आपको हम पहली वीडियो बताए हैं उसको, अगर ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी दिया रहा है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी कैसे निकालेंगे वो हमने आपको बताया है। तो देखिए सिंपली अगर ये तीन नंबर में दिया रहे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके बाद वही, क्योंकि सी का मान एक ही है डी है, तो यानी ये डी का मान क्या है 44 हमेशा रहेगा, अगर डी केवल डी दे रहा है और इसमें देखिए बी भी है सी भी है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ए अनुपाते बी क्या दिया है 4:7:7, उसके बाद देखिए बी अनुपाते सी 21:33 यही दिया है ना। तब देखिए इसको सिंपली मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 7 का 21 में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 4 का 21 में होगा, उसके बाद 7 का फिर 21 में होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसके बाद 7 का फिर क्या होगा 33 में होगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले 7 से काटिए, तो 7 से 7 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 3 21 यानी यहाँ पे क्या आ गया 12:21:33 क्या आ गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी 12:21:33। अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी की पता चल गया है, उसके बाद इसमें देखिए केवल डी का यहाँ पे एक ही दिया है ना, तो यही हो गया क्या डी का अनुपात, यानी अब यहाँ पे हो जाएगा 44, यानी ये क्या हो जाएगा डी, क्योंकि इसका देखिए एक ही वैल्यू दिया है और इसका बी सी का 2 वैल्यू दिया, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा हमेशा 44 आ जाएगा अगर डी केवल दिया हो, ठीक है, और उस दूसरे नंबर पे किसी और रेशियो में ना दिया हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए अनुपाते बी ए बट्टे में बी बराबर सी बट्टे में डी बराबर ई बट्टे में एफ बराबर क्या दिया है 3 दिया है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है 2a² + 3c² + 4e² उसके बाद क्या दिया है बटे में करके 2b² + 3d² + 4f² बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है, मतलब यही हमें फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स रेशियो में जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको करेंगे, ठीक। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे होगा, अगर a बटे में b बराबर क्या दिया है 3 दिया है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3d, ऐसे 3b हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, ऐसे अब देखिए c की वैल्यू पता करना हो तो c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसके साथ हो जाएगा यानी 3d हो जाएगा, उसके बाद e की वैल्यू पता करना हो तो 3f हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में इसका नंबर रखिए,
तो अब यहाँ पे टू ए का स्क्वायर क्या, ए की वैल्यू क्या है 3b² तो यानी 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करके 3, अब c का वैल्यू क्या दिया है 3d दिया है, तो 3 अब c का स्क्वायर है तो हो जाएगा क्या 3d का होल स्क्वायर, प्लस 4 e की वैल्यू क्या दिया है 3 अब दिया ना, उसके बाद e का स्क्वायर है तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा 3f का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बटे में क्या है सिंपल देखते रहिए, 2b² इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस 3d² प्लस 4f². ठीक है, अब देखिए फ्रेंड इसको जल्दी से सॉल्व, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कैसे देखिए यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी अब अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो 3b² नीचे जैसे है, 3d² नीचे जैसे है, 4f² जैसे नीचे है, तो अगर हम 3 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो यही हमारा बच रहा है, जैसे नीचे बच रहा है वही ऊपर बचेगा, तो यानी अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, और ऊपर से जो रहेगा वो कट जाएगा, कैसे देखिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 9b² प्लस 3 9d² प्लस 4 9 मल्टीप्लाई करके f² बटे में जो है ये देखिए 2b² प्लस 3d² प्लस 4f². अब यहाँ से देखिए 9 को देखिए सभी में 9 है ना, तो 9 को कॉमन कर लेंगे तो यही 9 बच जाएगा, 9 यही बच जाएगा और ऊपर से पूरा ऊपर नीचे कट जाएगा क्योंकि बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 9 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे देखिए दिया है क्वेश्चन, यदि यदि एक्स अनुपाते वाई बराबर 2:1 हो तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अनुपाते एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, यानी बराबर क्या होगा यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली देखिए क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो है और y की वैल्यू क्या है 1 है, तो अब इसी में रख दीजिए, तो अब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर अनुपाते, अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस 1, उसके बाद अनुपाते 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यहाँ से 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, उसके बाद यहाँ 4 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो यानी यही आ गया क्या इसकी वैल्यू आ गई, यानी 3:5 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ये क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6:1 ये क्वेश्चन मार्क है, ये समानुपात का सिंबल है, उसके बाद दिया है 5:1, उसके बाद दिया 35, उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे क्या नंबर आएगा यही पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा यही पूछ रहा है,
जब भी फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन दे तो सिंपली क्या करेंगे, अंदर का अंदर गुणा होता है, बाहर का बाहर गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं प्रश्नवाचक को यक्स, तो यानी यक्स मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा बराबर 35 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना रहेगा, ये आ गया ना, अब ये यहाँ से इसका पक्षांतर यानी बटे में हो जाएगा, तो यानी यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 मल्टीप्लाई 6 बटे में 5, ठीक। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, यक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7 6 42, यक्स की वैल्यू 42 आ गई, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 42, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी सारे समझ में आए होंगे। तो कल का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पे, उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो चैनल को, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।